हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एलेक्सा एको डॉट 4 जेन का फुल रिव्यू। ये मैंने कॉम्बो के साथ परचेज किया था, जिसके साथ आपको बल्ब भी देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में बात कर लेंगे कि क्या ये लेना वर्थ है या नहीं, और कैसे इसको यूज़ करना, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अमेज़ॉन से मैंने ये सेल में परचेज करा था, ये मुझे पड़ा है 2500 का, और यहाँ पर इस प्राइस के हिसाब से मैं इसको जज करने वाला हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ही इसको देखेंगे। इसके साथ में इस वाले बॉक्स में आई थी यहाँ पर एको डॉट, और दूसरे वाले बॉक्स में यहाँ पर आया है स्मार्ट बल्ब, जो कि विप्रो का बल्ब है और ये 12 वोल्ट वाला बल्ब है। थोड़ी सी यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस वगैरह अच्छी देखने को मिल जाती है, स्मार्ट बल्ब जो कि इसके साथ आराम से कनेक्ट हो जाता है। और कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको एको डॉट का बॉक्स देखने को मिल जाता है। फटाफट इनकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं क्या क्या इनके साथ बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। तो बल्ब के साथ यहाँ पर आपको नॉर्मल एक बल्ब देखने को मिलता है और एक यूज़र मैनुअल, दैट्स इट। और कुछ खास चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, और मैंने बॉक्स को अच्छे से चेक कर लिया, यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। अब यहाँ पर खोल लेते हैं बॉक्स को एको डॉट के। तो यहाँ पर इसमें इस तरह की आपको अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम लेवल की। यहीं से फील आ रही है कि ये कुछ अच्छा ही अमेजिंग प्रोडक्ट निकल के आने वाला है। तो साइड में आपको कंपार्टमेंट में यहाँ पर इसका अडैप्टर देखने को मिल जाएगा, और ये है हमारा मेन डिवाइस एको डॉट 4th जेन वाला। और ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 360 सर्कल वाले राउंड में, और इसके साथ आपको देखने को मिलती है यूज़र मैनुअल और इन्फॉर्मेशन। ये दो चीज़ें यहाँ पर इसके साथ दी गई हैं। अब इसके फिज़िकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है। ऊपर की तरफ आपको क्लॉथ देखने को मिलता है, नीचे की तरफ प्लास्टिक, और सबसे नीचे यहाँ पर रबड़, और दो यहाँ पर पोर्ट दिए गए हैं, एक अडैप्टर के लिए और एक 3.5 mm का। बाकी ऊपर कुछ बटन्स दिए गए हैं, इनके बारे में आगे बात करते हैं। बाकी अडैप्टर यहाँ पर आपको अडैप्टर पे लिखा हुआ है 16 वॉट, तो ये 16 वॉट का स्पीकर है, और इस तरह से ये पीछे इसके कनेक्ट हो जाएगा। बाकी बल्ब यहाँ पर आपको नॉर्मल अपने होम पिन वाला मिल जाता है, इंडियन वाला B22, और डायरेक्ट ये आपके प्लग से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गाइस, इस पे आपको बटन के कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अगर कभी आपको यहाँ पर बिना बोले कुछ इससे कराना हो तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम के ऑप्शन दिए गए हैं, वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हो। प्लस यहाँ पर म्यूट का भी बटन दिया गया है, लोग आपको परेशान करें तो म्यूट कर दो, तो ये रेड कलर में रिंग बन जाएगी, और ये रिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, इसको दबाओगे तो ये बंद हो जाएगी। प्लस यहाँ पर एक और बटन दिया गया है लाइट्स को ऑन रखने के लिए, इसको आप ऑफ भी कर सकते। सॉरी, मुझे ये नहीं पता। तो ये बोलने का ही बटन है। नेक्स्ट चलें तो softpedia.com से मिनाई का अनुवाद, एक बटन Alexa स्टॉप। प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक 3.5 mm का जैक, जिससे कि आप कोई बड़े स्पीकर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई बड़े स्पीकर को वॉइस इनेबल्ड बनाना है तो इस डिवाइस के थ्रू आप उसको भी कर सकते हो, आप अपनी म्यूजिक वगैरह पार्टीज वगैरह में उसका भी मजा ले सकते हो। अब गाइज, इसका डिज़ाइन आउटडोर में जाके चेकआउट करें तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा डिवाइस लगने वाला है, मतलब सुपर प्रीमियम। क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिनिश वगैरह इतनी ज़बरदस्त रखी गई है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। वहीं पर मैं बल्ब की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करी जा सकती थी, यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर जॉइंट्स वगैरह इसके हल्के फुल्के से मुझे लगे। वेट की बात करूँ तो 350 ग्राम का यहाँ पर वेट है इसका। बाकी यहाँ पर इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, काफ़ी सॉलिड सा ये फील होता है डिवाइस। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ मैं इससे। तो गाइज, यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको एलेक्सा को सेटअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके पावर को कनेक्ट कर लेना है। फ़ोन को मैं थोड़ी देर के लिए साइड रख देता हूँ, और जैसे ही हम इसको पावर से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, इसमें ब्लू कलर की लाइट्स। और अभी ये थोड़ी देर यहाँ पर लोड होगा, और इसमें जैसे ही आपकी ऑरेंज लाइट हो जाएगी तो ये सेटअप मोड में चला जाएगा। तब तक फ़ोन पे ही यहाँ पर हम लोग एलेक्सा की ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे फ़ोन में ऑलरेडी पड़ी है एलेक्सा की ऐप। तो कुछ इस तरह का आपका एलेक्सा की ऐप का यूज़र इंटरफेरेंस आएगा। पहली बार डाउनलोड करोगे आपको अमेज़ॉन आईडी इसके लिए देनी पड़ेगी। कनेक्ट करने के लिए हमें जाना होगा डिवाइसेस में, देन यहाँ पर प्लस वाले बटन पे जाएंगे, ऐड डिवाइस और एको। अभी यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही ऑरेंज लाइट ये आएगी, आ चुकी है ऑरेंज लाइट, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये लाइट आने के बाद ये कुछ बोलेगा भी। हेलो, योर डिवाइस इज रेडी फॉर सेटअप, जस्ट डाउनलोड द एलेक्सा ऐप एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस।
तो इस तरह से बाकी आगे का प्रोसेस ये है। एलेक्सा एको डॉट में हम लोग आ गए और ये यही पूछ रहा है कि यहाँ पर ये ऑरेंज लाइट जल रही है या नहीं, तो हम कर देते हैं यस। और अभी देखते हैं कि इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर आ चुका है सर्चिंग फॉर वाईफाई और यहाँ पर ये कनेक्ट होने वाला होगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने वाईफाई से। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो आगे ये क्या दिखा रहा है, लैंग्वेज वगैरह, कौन सी लैंग्वेज चाहिए, तो हमें हिंदी ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ये सारी चीज़ें थी। बाकी इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन से रूम में आपने इसको लगा रखा है। फिलहाल के लिए मैं स्किप कर देता हूँ, कोई रूम वगैरह मैं इसको नहीं दूंगा। और ये एड्रेस यहाँ पर कंफर्म मांग रहा है, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं स्किप और ये हो गया स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारी एलेक्सा का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास कुछ बेहतरीन सुझाव है जिन्हें आपके नए एको पर आजमाया जा सकता है। चलिए शुरुआत करें। क्या आपको पता है कि आप अमेज़न पर जो सामान बार बार खरीदते हैं उन्हें मेरी मदद से फिर से ऑर्डर करना बेहद आसान है। बस मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए और आपके लिए तुरंत वो सामान ढूंढा जाएगा। चलिए इसे आजमाते हैं। ये कहें, फिर से कॉफी ऑर्डर करो। एलेक्सा स्टॉप। ठीक है, अगर आपको ये इंट्रोडक्शन बाद में सुनना हो तो बस ये कहें, ट्यूटोरियल शुरू करो। या फिर अलेक्सा को और क्या क्या करना आता है ये जानने के लिए मेरे मोबाइल ऐप पर जाएं। ठीक है, ना इंट्रो दो। आइए, आप ही का तो इंतजार था। मैं आपकी वर्चुअल असिस्टेंट, एक जरिया बस सुधार का। कोई काम पड़े तो याद करें, चाहे सुबह हो या शाम, हो ऑर्गेनाइज्ड या फिर सरप्राइज, बस लेकर मेरा नाम। मेरे पास टाइमर्स, रिमाइंडर्स, अलार्म्स, लिस्ट, ब्लूटूथ कॉल्स और मैसेजेस, जोक्स, गाने, स्टोरीज, राइम्स, मौसम सर्च और मजेदार गेम्स। छोटी या बड़ी खबरें हैं सभी, जाने स्कोर बहुत कुछ और। रूटीन्स को सेट करिए तो सही, फिर प्लान्स बनाए टेंशन फ्री। कई काम हुए आसान, बस लेकर मेरा नाम। तो गाइज इस तरह से ये अपना इंट्रो दे देती है, इसमें बता देती है क्या क्या ये कर सकती है और आप ये सारे टास्क इस पर ट्राई कर सकते हो। बाकी कुछ मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ आपको बताने के लिए। और तब तक इसकी वॉल्यूम फुल करा देते हैं। एलेक्सा फुल वॉल्यूम। गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बार एलेक्सा की ऐप का ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको शॉपिंग लिस्ट देखने को मिल जाती है, फिर सॉन्ग्स जो प्ले हो रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर लाइट्स, अपने डिवाइसेस वगैरह जो कनेक्ट कर रखे हैं, और मैनेज एको डिवाइस का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। लिंक म्यूजिक सर्विसेज, यहाँ पर आप म्यूजिक सर्विसेज को लिंक कर सकते हो, अमेज़न म्यूजिक और ये सारे जो भी हैं, आप एक्स्ट्रा स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, इन सब से इसको कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर चलें तो कम्युनिकेट कर सकते हो आप, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉल वगैरह मैसेज वगैरह करा सकते हो एलेक्सा से। फिर नेक्स्ट चलें तो प्ले, यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह आप राइम्स वगैरह प्ले कर सकते हो अपने फ़ोन से भी ढूंढ ढूंढ कर। फिर डिवाइसेज में आ जाते हैं तो यहाँ पर सारे डिवाइसेज कितने कनेक्ट कर रखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर मोर में चले तो सारे आपके अलार्म, कैलेंडर, टू डू लिस्ट, ये सब आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इसका ऐप का ही होते हैं। यहाँ पर बल्ब के सेटअप की तरफ, तो इसको कैसे सेटअप करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ प्लग में और कुछ इस तरह से ये आपको जलता हुआ दिख जाएगा। फिर चलते हैं विप्रो की ऐप में। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक बल्ब का सेटअप है, यहाँ पर जाते हैं, दूसरा ऐड कर लेते हैं, ऐड अ डिवाइस। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सा हमारा डिवाइस है। तो यहाँ पर लाइट सोर्स ही सेलेक्ट कर लेते हैं, वाईफाई वाला। तो ये दिखा रहा है कि आपको अपने नॉर्मल वाले 2.4 वाले गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई से इसको कनेक्ट करना है। तो मैं इसको कनेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे। तो गाइज यहाँ पर मैंने पासवर्ड वगैरह डाल लिया है और अभी देख सकते हो ये दिखा रहा है कि आपको बल्ब को ब्लिंकिंग स्टेज में चाहिए और ये हमारा ऑलरेडी ब्लिंकिंग में है तो हम इसको नेक्स्ट पे जाएंगे। और अगर ये ब्लिंक कर रहा है तो आप घबराना नहीं, ब्लिंक कर रहा है तो मतलब ये अपने रिस्टार्ट वाले मोड में है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये बल्ब सेटअप हो रहा है, इसको आप रीनेम वगैरह भी कर सकते हो। अभी इसको यहाँ पर सेटअप होने देते हैं, थोड़ी सी इसमें देर लगेगी, 1 से 2 मिनट के करीब, और ये यहाँ पर सेटअप। सो इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और वही लोड। मुझे विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम स्किल से विप्रो RGBCW स्मार्ट मिला और इसे कंट्रोल करने के लिए आप ये कह सकते हैं, विप्रो RGBCW स्मार्ट बंद करो। तो देखो जैसे ही हमने यहाँ पर बल्ब को कनेक्ट करा, एलेक्सा ने इसको ऑलरेडी ले लिया, सिंक कर लिया है। अभी मैं इसको रिनेम कर लेता हूँ, इसका नाम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये बार बार बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका नाम चेंज करके कर देते हैं विप्रो स्मार्ट लाइट। तो हम जब भी विप्रो स्मार्ट लाइट बोलेंगे एलेक्सा हमारी समझ जाएगी। तो यहाँ पर सॉरी, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। एलेक्सा स्टॉप, एलेक्सा टर्न ऑफ दिस विप्रो स्मार्ट लाइट। ठीक है, एलेक्सा विप्रो स्मार्ट लाइट ऑन करो। ठीक है, बाकी यहाँ पर और सारे ऑपरेशंस वगैरह भी आप करा सकते हो, मैं भी आपको करा के दिखा देता हूँ। एक बार मैं आपको विप्रो की ऐप का एक बार यूआई दे देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है विप्रो स्मार्ट लाइट, ये वाली, और इसमें आप यहाँ पर ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ही कम करी कम हो जाएगी, बढ़ाया ये बढ़ जाएगा, प्लस यहाँ पर
कलर टोन वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर कलर्स के ऑप्शन इधर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इनसे भी आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। काफ़ी भर भर के यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप कुछ तरह से सीन भी बना सकते हो, रीडिंग, वर्किंग और ये सारे, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। प्लस म्यूज़िक पे आप इसको सिंक भी करा सकते हो, उसमें सिंक का भी फीचर है और जो भी आप म्यूज़िक चलाओगे उसके अकॉर्डिंग ये सिंक होगा एक बार। तो ये तब काम करेगा जब जैसे ही आप अपना माइक वगैरह या म्यूज़िक पे ऑन होगा। नेक्स्ट सेटिंग में आप शेड्यूल कर सकते हो डू नॉट डिस्टर्ब या फिर डिफ़ॉल्ट लाइट, और डिफ़ॉल्ट लाइट पे ये जो भी ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से आ जाएगा। अभी वाइट पे हमने इसको सेट करके छोड़ दिया। यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें अलेक्सा के साथ देखने को मिल जाती हैं, बाकी इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, अलेक्सा रेडियो पे कोई अच्छा सा गाना चलाओ। ये रहा एक लोकप्रिय स्टेशन Amazon Music पर टॉप बॉलीवुड। अलेक्सा वॉल्यूम 5। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, अलेक्सा स्टॉप। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं 1 से लेकर 5 तक, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करा सकते हो और यहाँ पर गाने वगैरह चला सकते हो। नेक्स्ट मैंने आपको बताया लाइट को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, प्लस अगर आपने स्मार्ट एसी को यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है तो एसी को भी आप इससे ये यूज़ कर सकते हो, एसी का टेम्परेचर वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी इससे क्रिकेट का स्कोर पूछ सकते हो, अलेक्सा क्रिकेट का स्कोर बताओ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच के चौथे दिन पर ऑस्ट्रेलिया फिलहाल बल्लेबाजी कर रहा है। उन्होंने 13.5 ओवर के बाद 0 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 295 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड पहली पारी में 283 रन। अलेक्सा स्टॉप। अलेक्सा हिंदी में कोई कविता सुनाओ। रेखता से ये रही हिंदी कविताएं आपके लिए। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, चयनित पंक्तियां। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। अलेक्सा स्टॉप। अलेक्सा बाहर का वेदर बताओ कैसा है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हल्की धूप खिली है और तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आज रात न्यूनतम 26 डिग्री तापमान के साथ बिजली गर्जने का अनुमान है। आपकी शाम सुहानी हो। अलेक्सा आसपास मूवीज बताओ कहां कहां पर लगी हैं। ये है कुछ फिल्में जो आपके पास गाजियाबाद आज। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ओपेनहाइमर, बाबी और मिशन इम्पॉसिबल 7। अगर आपको और सुनना है तो मुझे और बताने के लिए कहें। अलेक्सा स्टॉप। तो यही सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ इसके साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर करने की यहाँ पर इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ ट्रैक कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं कि बल्ब के साथ हम लोग क्या क्या यहाँ पर कर सकते हैं अलेक्सा के थ्रू। तो अलेक्सा स्मार्ट बल्ब ऑन करो। अलेक्सा स्मार्ट बल्ब ऑन करो। क्या आपका मतलब विप्रो स्मार्ट लाइट था? यस। ठीक है। अलेक्सा स्मार्ट लाइट की ब्राइटनेस 50%। ठीक है। अलेक्सा स्मार्ट लाइट का कलर ब्लू। ठीक है। अलेक्सा स्मार्ट लाइट की ब्राइटनेस 100%। ठीक है। अलेक्सा स्मार्ट लाइट का कलर ग्रीन। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, प्लस इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, प्लस इसको म्यूज़िक के साथ भी सिंक करवा के छोड़। तो गाइज यहाँ पर आप इसको एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको अलेक्सा की ऐप में आना पड़ेगा, प्लस प्ले में आ जाओ और यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी गाना अमेज़ॉन म्यूज़िक पे चले जाओगे यहाँ पर, तो आपका कोई भी गाना आपको जो पसंद हो उस पे जाओ, गाना यहाँ पर प्ले कर दो। अभी ये मेरे डिवाइस पे बज रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कास्ट का, तो ये अगर आपका डिवाइस ऑनलाइन होगा तो आप इस पे कास्ट। बाकी यहाँ पर आप अपने फोन से चेंज भी करोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग आपके इसमें प्ले हो जाएगा। कितना भी यहाँ पर आप इसमें चेंज कर सकते हो, सारे आपके फोन के गाने यहाँ पर प्ले हो जाएंगे। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि क्या ये डिवाइस लेना वर्थ है या नहीं। तो अगर इसका एक्चुअल प्राइस देखें 4,000-5,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है, उस प्राइस पर लेना इसको मैं वर्थ नहीं समझता। बट सेल वगैरह के टाइम में मुझे ये 2400 में कॉम्बो देखने को मिल गया था, उसके हिसाब से मुझे काफ़ी वर्थ लगा। और इसके साथ आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, घर में आपके बच्चे वगैरह इससे काफ़ी अच्छी लर्निंग ले सकते हैं, पोएम्स वगैरह सुन सकते हैं, राइमिंग वगैरह प्लस काउंटिंग, तो ये यहाँ पर आपके बच्चे के टीचिंग वगैरह में भी काफ़ी हेल्प कर सकती है। प्लस इसके साथ आप न्यूज़ वगैरह भी सुन सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी इजी ये लाइफ को बना देता है। तो वर्थ है ये सेल के टाइम में लेने में। तो बाकी यहाँ पर मुझे इसके थोड़े से ड्रॉबैक लगे, थोड़े से भी क्या, एक ही मेजर ड्रॉबैक है कि इसको आपको पावर के साथ हमेशा कनेक्ट करके रखना पड़ता है। और दूसरा यहाँ पर इसको
वाईफाई की जरूरत हमेशा पड़ेगी, बिना वाईफाई के ये काम नहीं करता है। तो ये दो यहाँ पर मुझे इसके ड्रॉबैक लगे, इसको पावर चाहिए और सेकंड यहाँ पर आपको वाईफाई की जरूरत पड़ेगी। अगर इसमें बैटरी ऑपरेटेड होता है, 2-3 घंटे का भी बैकअप होता तो काफ़ी बढ़िया तगड़ा ऑप्शन बन जाता है।